चांद पे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी करो, छोड़ो इस इंडिया का पीछा, छोड़ दो तुम सारे ब्राह्मण चांद पर चले जाओ, क्यों उन्हें एलर्जी है ना भारत से, उन्हें भारत का संविधान पसंद नहीं है, वो अपना अलग देश बना ले ऊपर जा करके। उस संविधान ही तो हजम नहीं हो रहा, RSS संविधान विरोधी है। भुखमरी क्यों है, गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, उस पर ना बात करके उन्होंने क्या कहा, संविधान काफी पुराना हो गया है। अरे बददिमाग, ये एक ही किताब है जो सारे देश को बांधे हुई है। सविता राय बैठी है दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल, अगर रितु के साथ एक घंटा यहाँ डिबेट करा दी जाए किसी भी मैटर पर, वो भाग जाएगी, वो इसके आगे अनपढ़ है। जैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री है, ऐसे ही अनपढ़ सारी सरकार चाहिए। सिर्फ घंटा बजाएं, ये RSS वाले कोहिनूर निकाल लें ना गोबर से, कितना निकालेंगे, ये निकाल लें, किसने रोका है, खाना भी शुरू कर दे, अनखाना छोड़ दे सारे RSS और BJP वाले, गोबर खाएं, देश को बचाइए। आपका लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आपको गुलाम बनाने का सिग्नल दे दिया है कि मैं राजतंत्र लागू कर दिया, लोकतंत्र खत्म, और 24 को गलती से ले आना, आगे इलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी। इस 9 साल में सिवाय सड़कों के नाम बदले हैं, शहरों के नाम बदले हैं, हिंदू मुस्लिम किया है, गाय गोबर किया है, और इस देश को 100 फीट गड्ढे में डाल दिया है, और इनको 24 में जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए, नहीं तो आगे इलेक्शन नहीं होगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री मिले हमें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हमारे साथ मौजूद हैं वीर सिंह, जो कि बहुजनों की लगातार आवाज उठाते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं। क्या वजह है कि ज़्यादातर SC ST OBC के लोगों के साथ अत्याचार होता है? जमीनी स्तर पर गांवों की बात तो छोड़ दें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो है वहां पर भी जो प्रोफेसर जो है उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार करने वाली लॉबी जो है ना, उनको बचपन से ही मनुस्मृति घर घर में पढ़ाई जाती है, ये इस जाति का है उसके साथ मत खेलना, ये उस जाति का है उसके साथ मत खाना, ये बीमारी है इस देश में। और इस बीमारी को ख़त्म करने की ड्यूटी सरकारों की थी, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, और ये बीमारी काफ़ी हद तक कम भी हुई थी। SC ST OBC के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट निकलता था, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन उनमें फिर भी कुछ शर्म थी। अब 2014 के बाद जो लोग आए हैं सरकार में, जो बिल्कुल भी संविधान को नहीं मानते, संविधान को अपना दुश्मन मानते हैं, वो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त को बोला तो है, विवेक देबराय हैं, उनका वो क्षेत्र भी नहीं है बोलने का, उनका क्षेत्र है आर्थिक सलाहकार है ना, आर्थिक सलाहकार पर आप दे आइडिया दे सरकार को, भुखमरी क्यों है, गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, उस पर ना बात करके उन्होंने क्या कहा, संविधान काफ़ी पुराना हो गया है। अरे बददिमाग, ये एक ही किताब है जो ये 668 या 568 रियासतें थी, जो एक किताब है जो सारे देश को बांधे हुई है, बेवकूफ को इतना नहीं पता, उसने ये देशद्रोह का काम किया है। हमने पार्लियामेंट थाने में इसकी कंप्लेंट की है, DCP साहब से मिलकर मैंने, हिमांशु सर, महेश पहवाल जी, हम थाने में गए थे और हमने वहाँ कंप्लेंट दी है। अब वो केस दर्ज करते हैं नहीं करते हैं वो बात अलग है, इनको जरा सा एक कुछ मिल जाए, एक लाइन मिल जाए, हमारे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस बड़ी तैयार रहती है। रतनलाल जी ने क्या बोला, तुरंत एक्शन ले लेते हैं। रतनलाल जी ने एक ही वर्ड बोला था, रात को अरेस्ट कर दिया, और वो सेक्शन बनती भी नहीं थी। और ये जो सविता राय बैठी है दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल, अगर रितु के साथ एक घंटा यहाँ डिबेट करा दी जाए किसी भी मैटर पर, वो भाग जाएगी, वो इसके आगे अनपढ़ है, ये इतनी नॉलेज वाली लड़की है, इनको नॉलेज वाला नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए पाखंडी। जैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री है, ऐसे ही अनपढ़ सारी सरकार चाहिए। सिर्फ घंटा बजाएं, गौमूत्र पिए, गौमूत्र पिए, गोबर खाएं, ऐसी सरकार है ये, सिर्फ धर्म के नाम पर पागल बना करके
और गोबर से कोहिनूर निकल रहा है, समृद्ध पात्रा गोबर से कोहिनूर, समृद्ध पात्रा करे उसका व्यापार। ये आरएसएस वाले कोहिनूर निकाल ले ना गोबर से, कितना निकालेंगे ये निकाल ले, किसने रोका है? खाना भी शुरू कर दे, अनखाना छोड़ दे सारे आरएसएस और बीजेपी वाले, गोबर खाए। देश को बचाइए, आपका लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और क्लियर कट दिखा दिया है। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन में राजदंड रखने का क्या है, उस सिग्नल दे दिया है, सभ्यता को वापस ला रहे हैं, और आपको गुलाम बनाने का सिग्नल दे दिया है कि मैं राजतंत्र लागू कर दिया, लोकतंत्र खत्म, और 24 को गलती से ले आना, आगे इलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है। इन लोगों ने 60 साल तक अपना तिरंगा झंडा नहीं लगाया आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, और ये पुरानी पार्लियामेंट में किसी को नहीं बोलने देते, नई पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत थी? ये गरीब लोगों का टैक्स का पैसा, गुलामी से मुक्ति दिलाया, गुलामी का याद दिलाता था ना, उससे मुक्ति दिलाया। चलो धन्यवाद, गुलामी से मुक्ति दिला रहे हैं ना। उस लाल किले पर क्यों झंडा फहराते हैं? वो तो शाहजहां ने बनाया था, नया बना दिया अपना लाल किला, कहाँ कहाँ से मुक्ति दिलाएंगे? इस 9 साल में सिवाय सड़कों के नाम बदले हैं, शहरों के नाम बदले हैं, हिंदू मुस्लिम किया है, गाय गोबर किया है, और इस देश को 100 फीट गड्ढे में डाल दिया है। चाइना 20,000 किलोमीटर अंदर आ गया है, लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहा? 2019 का फर्जी अटैक जो 40 जवान मरवा करके जो कहते हैं योगी को आने दो, त्रेता में चला जाएगा भारत, 500 साल पीछे चला जाएगा। ये इनकी बकवासबाजियों का तो कोई मेरे पास कोई जवाब है नहीं। संविधान बचाइए, संविधान 26 जनवरी 1950 से पहले भारत था क्या? आप जरा सोचिए ईमानदारी से, भारत बना ही 26 जनवरी 1950 को है, उससे पहले 568 रियासतें थी। वो वहाँ का राजा, वो वहाँ का राजा, वो उसकी लड़की ने उठा लाया, उसने अपनी सीमा बढ़ा ली। भारत बना ही 26 जनवरी 1950 को, ये समझना चाहिए हर एक नागरिक को, और ये संविधान एक एक घर में होना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने मौलिक अधिकार सुरक्षित रखिए, और इनको 24 में जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए, नहीं तो आगे इलेक्शन नहीं होगा। आप लोगों को फिर दोबारा वही जो ना झाड़ू बांधा जाएगा कमर में, गले में मटकी, आपका शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म, स्वास्थ्य खत्म, और आपका वोट का अधिकार खत्म। और ये वोट का अधिकार खत्म करने के लिए ही NRCC लाए थे ये तो मैं सलाम करता हूँ उन मुस्लिम बहनों को जो संविधान और बाबा साहब की तस्वीर लेकर सड़कों पर बैठ गए, और वो लोग ये वोट का अधिकार बचा दिया। वो वोट का अधिकार की वीडियो जो आई तृप्ता त्यागी का स्कूल की वीडियो, उस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर SC ST तो नहीं बनेगा शायद, क्योंकि बाकी फिर भी जो ना एक दूसरी एट्रोसिटीज की सेक्शन मिल जाएगी IPC में, उसे बंद होना चाहिए, उसे सीट पर नहीं रहना। बनाया था उस पर FIR दर्ज कर दी गई है। इस काम में तो बड़े एक्सपर्ट है ये हाथरस कांड जो हुआ था ना, उससे ट्रेंड बदला है कि ये विक्टिम को ही पीटते हैं, जिसको न्याय देना होता ना उसी का घर घेरते हैं चारों तरफ से, उसी को पीटते हैं, और मुलजिम को शेल्टर देते हैं। पिछले 15 अगस्त को 11 संस्कारी ब्राह्मण छोड़े थे ना प्रधानमंत्री जी, जब लाल किले से बोल रहे थे कि बहनों का महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो वहाँ जेल के ताले खुल रहे थे, 11 संस्कारी ब्राह्मण छोड़े थे। अब ये एक संस्कारी ब्राह्मण कल छोड़े, कल या परसों, अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी जो उम्र भर की कैद की सजा थे, और वो कैद में नहीं थे, वो किसी जेल से शिफ्ट करके योगी जी ले गए गोरखपुर, और वहाँ किसी अस्पताल में 11 साल अस्पताल में कटवा दिए उनके। कलवान खेड़े के जिसको टाइगर बोलते हैं, उनका वीडियो आया है, और उनको सजा में माफ़ी भी दे दी। 11 साल तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल के नाम से वो होटल में रहे हैं, ये न्याय? हमारे गरीब लोग जो ना खीरा चोरी में जेल में है, मूली चोरी में जेल में है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री मिले। युग पुरुष कहे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, भारत को चांद पर पहुंचा दिया। अभी गए चांद पे, हाँ अभी आया ना, उसका नाम अभी याद आ जाएगा,
क्या है वो अच्छा बड़ा सा पकड़ बांधते हैं भगवे रंग का, नाम याद नहीं आ रहा, आ जाएगा। उसने कहा है कि चांद पे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी करो, छोड़ो इस इंडिया का पीछा, छोड़ दो तुम सारे ब्राह्मण, चांद पर चले जाओ। हवा वहाँ नहीं है, पानी वहाँ नहीं है, तुम कुछ पैदा करोगे नया बनाओगे तुम्हें पता लग जाएगा, और तुम्हारे पास तो वो ताकत है, तुम तो मंत्र मार के बना लोगे सब कुछ। इस देश के ऊपर रहम करो सारे ब्राह्मणों, अपने चले जाए चंद्रमा पे। तो बहुत अच्छा सुझाव दिया उन्होंने। आप चाहते हैं ब्राह्मणों को चांद पर पहुंचा दे? अरे वो खुद ही कर रहे हैं, उसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम वहाँ जाकर हल चलाए। यहाँ कौन रहेगा? अरे यहाँ तो ये बहुत है ना, 85% लोग रह जाएंगे, ये 10% है ना जो कोई दुर्भाग्य मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, वो रह जाएंगे, वो चले जाए। क्यों? उन्हें एलर्जी है ना भारत से, उन्हें भारत का संविधान पसंद नहीं है, वो अपना अलग देश बना ले ऊपर जा करके। यहाँ जिनको संविधान से प्यार है वो लोग यहाँ रहेंगे। उनको भारत से नहीं, भारत के संविधान से दिक्कत है। उन्हें हर चीज भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, उस संविधान ही तो हजम नहीं हो रहा। आरएसएस संविधान विरोधी है, उनकी तीन किताबें हैं, आरएसएस की तीन किताबें हैं, बंच ऑफ थॉट, सावरकर का हिंदुत्व और मनु समर्थी। वो दिन रात उन्हीं पे काम करते हैं, वही पार्कों में पढ़ाते हैं, सुबह जो इनकी वो लगती है शाखाएँ, और मोदी जी तो प्रचारक रहे हैं आरएसएस के, उनको तो वो सारी चीज़ें जवानी याद हैं। इस देश को बचाओ, देश के लोकतंत्र को बचाएं, और जिस चीज़ पे हाथ रख देते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। माथा रगड़ा था ना पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ख़त्म, संविधान पर भी रखा था, संविधान खत्म, बदल चुके हैं, हमारी पार्टी कार्यालय में रखा है आपके प्रियम्बल से, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण गणतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दोनों वर्ड प्रियम्बल से हटा दिए हैं, वो हमारे पास पार्टी कार्यालय में रखा है संविधान। राज्यसभा से खरीद कर लाया था, 1200 रुपये का लाया था, और उसका वजन तोल कर देखा 5 किलो 300 ग्राम वजन है, इतने सबूत दे दिए मैंने, और क्या बताएं, देश खतरे में है। और उसको बचा सकते हैं तो इंडिया गठबंधन से भी मेरी गुजारिश है, भाई चंद्रशेखर को अगली मीटिंग में कॉल करें, चंद्रशेखर के बगैर तुम्हारा गठबंधन कोई कामयाब नहीं होगा, उसे सम्मानित सीटें दीजिए, और इसको 24 में, इनको 543 पे इलेक्शन होता है, इनको 43 पे लाकर छोड़िए, और देश को बचाइए। और बाबा साहब ने भी कहा था उस दिन, ये देश हिंदू धर्म की तरफ बढ़ेगा ना, हिंदू राष्ट्र की तरफ, ये गुलाम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से आज़ादी कराई थी, हाँ, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शहीद उधम सिंह, जिन्होंने जाकर जनरल डायर को इंग्लैंड में गोली मारी थी, उसका नाम भी नहीं लेते आरएसएस वाले, जिन्होंने उंगली का नाखून नहीं कटाया, आज वो देशभक्त बन का सर्टिफिकेट देने लगे। जय भीम, आपका शुक्रिया, क्योंकि आप लोग ही हमारी बात आगे पहुँचाते हैं, मनो मीडिया तो हमें कहीं काउंट करता नहीं, आप सभी का, और ख़ासकर इस नेशनल दस्तक के समूह को सलूट। तो आपने सीधे साफ तौर पर सुना, इंडिया जो गठबंधन है उससे भी गुजारिश की उन्होंने कि चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मण, जो कि लगातार बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं, उनसे जो है उनको बुलाकर गठबंधन में उन्हें भी शामिल किया जाए, और तमाम मुद्दों पर बात की, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे वो संविधान बदलने की बात हो। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।